नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज है मेरे पास प्लेटिना बाइक की वायरिंग, तो आज मैं आप लोगों को देखिए इसकी वायरिंग की जानकारी देना चाहता हूँ, कैसे ये वर्क करती है और इसकी एक एक तार की जानकारी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि मैं आपको इसको आसानी से समझा सकूँ। देखिए मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस वायरिंग के सभी कनेक्शन कर दिए हैं। देखिए जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप लोग जो है इसके इंडिकेटर भी ऑन हो जाएंगे। देखिए ये वर्क कर रहे हैं इसके इंडिकेटर लेफ्ट और राइट, तो आप लोग देख सकते हैं। और जो इसका पासिंग है ये भी काम करता है, देखिए ठीक है, हॉर्न भी काम करता है ठीक है। और जब हम इसकी लाइट को ऑन करते हैं तो इसकी लाइट भी ऑन हो जाती है। देखिए ये इसका बैक लाइट का बल्ब ऑन हो गया, और अगर मीटर बॉडी होती यहाँ पर तो उसकी मीटर के अंदर जो लाइटें होती हैं वो भी ऑन हो जाती, और जब हम इसको आगे प्रेस करते हैं तो इसकी मेन हेडलाइट भी ऑन हो जाती है। और साथ ही देखिए यहाँ पर ये इसका लो बीम है और ये इसका हाई बीम है ठीक है। लो बीम अगर रहता है और हम पासिंग को दबाते हैं तो इसका ये पासिंग तो काम करेगा ही ठीक है, और यहाँ पर ये तब तो नहीं काम करता क्योंकि उस टाइम जो है हाई बीम ही ऑन रहता है। तो यहाँ पर जो है हम इसको बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है सभी कनेक्शन किए हुए हैं, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब हम ब्रेक स्विच को ऑन करते हैं ठीक है, इसके स्विच को खींचते हैं तो देखिए यहाँ पर ये भी ऑन हो जाती है। तो मैंने जो है इसके सही से पहले कनेक्शन किए हैं ताकि मैं इसको आसानी से आप लोगों को बता सकूँ। तो अब बात करता हूँ दोस्तों जो इसकी वायरिंग होती है कैसे काम करती है, इसकी एक एक तार की आपको जानकारी दूंगा ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए कि इसकी वायरिंग की तारें कौन कौन सी होती हैं, और वो आप लोगों को समझ में आ गई तो आप इसकी वायरिंग को कभी नहीं भूलेंगे। तो ये इसका रेक्टिफायर होता है रेगुलेटर, तो यहाँ पर अभी मैंने इसको नहीं लगाया है क्योंकि मैंने यहाँ पर जो है 12 वोल्ट की सप्लाई दी हुई है ताकि हम इसकी लाइट को ऑन कर सकें। तो दोस्तों ये वीडियो ना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए और नॉलेजफुल वाला भी, क्योंकि ऐसी जानकारी जो है आप लोगों को यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। इस तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको ये डायग्राम बना के समझा रहा हूँ ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है या इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार हो प्लीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ फॉलो कर लेना, और जो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है उसका लिंक भी मैंने अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। तो आप लोग जो है मुझे वहाँ पर कुछ ना कुछ दोस्तों अपना सवाल जवाब पूछ सकते हैं, तो मैं उनका जवाब दोस्तों आपको वहां पर दे सकता हूं ठीक है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसकी वायरिंग की, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो मेरे पहले दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम इसके मेन इग्निशन स्विच से। तो देखिए यहां पर जो इसका ये मेन इग्निशन स्विच होता है इसके अंदर आपको ये चार तार देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली जो तार होती है देखिए ये होती है सफ़ेद रंग की, देखिए ये जो है सफ़ेद रंग की तार है, ये होती है दोस्तों इसकी 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की। ये कहाँ से आती है, अब देखिए जो ये बैटरी होती है ठीक है, ये बैटरी से जो है डायरेक्ट यहाँ पर 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आती है ठीक है। और अगर मान लो आपकी बाइक की बैटरी डेड हो जाए या आपकी बैटरी मान लो डाउन पड़ जाती है या मान लो आपकी बाइक में बैटरी नहीं भी है तो होगा क्या, जो देखिए इसका ये रेक्टिफायर होता है ठीक है, ये इसका रेक्टिफायर है। तो यहाँ पर जो ये सफ़ेद तार दी गई है देखिए इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ जो इसका ये रेक्टिफायर है, तो यहाँ से जो है जब इसके अंदर इनपुट सप्लाई जाती है और ये आउटपुट निकालता है ये वाली तार में, ये सफ़ेद तार होती है इसमें आती है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई ठीक है। और दूसरी तार जो इससे आउटपुट निकलती है वो ये है जो है येल्लो पे रेड लाइन, ये आ जाती है सीधी इसके हैंडलबार स्विच में जिससे हमने जो है इसकी लाइट को ऑन करना होता है ठीक है। लेकिन अभी हम इसकी बात करते हैं जो ये सफ़ेद तार है तो ये सीधे डायरेक्ट आ जाती है इसके चाबी स्विच के यहाँ पर ठीक है, जो इसकी ये तार है तो ये तार आ गई सीधी यहाँ पर। इसके बाद जो दूसरी तार है ये है ब्राउन तार। ब्राउन तार दोस्तों ये जो है जब हम स्विच को ऑन करते हैं ठीक है, ये हमने इसको ऑन किया तो ये क्या करती है, ये जो सफ़ेद तार है ये अपनी सप्लाई इसमें छोड़ देती है ठीक है, ये आपने याद रखना है। देखिए कैसे ये जो तार है ब्राउन रंग की, आपकी जो बजाज की कोई भी बाइक होगी तो उसमें आपको ये डायरेक्ट तो आपको ये इसमें 12 वोल्ट देखने को मिलती है ठीक है, ये 12 वोल्ट तो वैसे ही है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई कहाँ कहाँ पर जाती है देखिए, सबसे पहले जो ये तार जाती है देखिए जो इसका ये मीटर बॉडी वाला कपलर होता है, मीटर बॉडी होती है उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है। दूसरा जो देखिए यहाँ पर ये इसका फ्लैशर है इसके अंदर आ जाती है ठीक है। तीसरा जो इसका ये ब्रेक स्विच होता है यहाँ पर ये 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है
ठीक है। और जो जैसे कि अब ये न्यू बाइक्स आ गई हैं तो उनमें जैसे कि आप ये हैंडल बार स्विच से देख सकते हैं तो उसमें भी ये 12 वोल्ट की सप्लाई आ जाती है, लेकिन ये पुराना मॉडल है। जहाँ जहाँ भी कहने का मतलब 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए वहाँ पर ये 12 वोल्ट की तार आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं अगली तार की। देखिए अगली जो तार है इसमें ये है इसकी ब्लैक पे येलो लाइन, तो आप लोग ये इसकी ब्लैक पे येलो लाइन की तार देख सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आ गई। तो ये होती है इस बाइक का बॉडी अर्थ। बजाज की कोई भी बाइक होगी आपको जो है इसमें ये तार बॉडी अर्थ की देखने को मिलेगी, ये आपने याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं इस कपलर की चौथी तार की। जो ये चौथी तार है ये आप देख सकते हैं ये है ब्लैक पे वाइट लाइन। तो ये जो तार होती है दोस्तों ये क्या काम करती है, देखिए ये आती है जो इसका ये CDI है, ये देखिए ये इसका CDI यूनिट है। तो ये तार जो है इससे आउटपुट निकलती है, ठीक है, तो ये आ जाती है सीधी इस स्विच पर। जब हम बाइक को ना ऑफ़ करते हैं, देखिए जब हमने स्विच को ऑफ़ किया तो क्या होगा, ये जो तार है जो मैंने आपको दिखाई ब्लैक पे वाइट लाइन, तो ये जो है इस तार को टच कर लेगी, इस तार के साथ आपस में मिल जाएगी जब हम इस स्विच को ऑन करते हैं, ठीक है, क्योंकि बाइक को जो है हमने बंद करनी है। तो ये तार जो है बॉडी अर्थ हो जाती है, ठीक है, जिससे हमारी बाइक का जो करंट है वो डिसकनेक्ट हो जाता है और बाइक हमारी बंद हो जाती है। तो ये थी इसकी चौथी वायर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके राइट हैंडल बार स्विच की। तो देखिए ये इसका लाइट वाला राइट हैंडल बार स्विच है, ये यहाँ पर दो बार काम करेगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो यहाँ पर पहली बार आगे प्रेस करने पर इसकी मीटर लाइट और बैक लाइट ऑन हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखा दूँ ये इसकी जो है लाइट ऑन हो गई, ठीक है, और मीटर लाइट ऑन हो जाएगी, और आगे प्रेस करने पर इसकी मेन हेडलाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। तो अब इसकी जो वायरिंग है, देखिए यहाँ पर ये जो इसकी वायरिंग है आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो है ये आप येलो पे रेड लाइन की तार देख सकते हैं। तो ये कहाँ से आती है, ये आती है इसके रेक्टिफायर से। तो आप लोग देख सकते हैं जो इसका रेक्टिफायर होता है ये आउटपुट निकालता है। तो यहाँ पर ये आप येलो पे रेड लाइन की तार देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ये जो है सप्लाई आ जाती है और ये आगे आ जाती है, ठीक है, तार सीधी डायरेक्ट, इससे जो है मेन हेडलाइट ऑन होती है। अगर ये कहीं से कट जाती है तो आपकी लाइट नहीं ऑन होगी। तो ये इसकी मेन तार है। और इसके बाद जब हम इस स्विच को देखिए आगे प्रेस करते हैं, ठीक है, दूसरी बार यहाँ पर, तो यहाँ पर होगा क्या, ये जो तार है अपनी सप्लाई इसमें छोड़ देता है, ठीक है, ये वाली रेड तार। तो ये जो रेड तार होती है ये मीटर बॉडी में जो ऊपर लाइटें ऑन हो जाएंगी तो उसकी होती है, कहने का मतलब मीटर लाइट की और बैक लाइट की, ये आपने याद रखना है। तो ये तार आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, जो यहाँ पर ये रेड तार है आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मीटर लाइट में जाएगी और ये बैक लाइट पर भी चली जाएगी। इसके बाद जो इसकी तीसरी तार है, तीसरी तार जो होती है इसकी ये रेड पे वाइट लाइन, ठीक है। तो अब ये तीसरी बार दूसरी बार काम करेगा, ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला हो गया दूसरा हो गया, तो ये अब तीनों तारें मिक्स हो जाएंगी, ठीक है, इन तीनों तारों को आपस में जॉइंट कर देगा, ठीक है। तो ये जो इसकी रेड पे वाइट लाइन है ये कहाँ पर जाती है, ये जाती है इसके लेफ्ट वाले हैंडल बार स्विच में, देखिए, ठीक है। तो ये आ जाती है यहाँ पर, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो ये क्या काम करती है, जब हम इसको आगे प्रेस करते हैं, ठीक है, इसको आगे तीसरी बार में प्रेस करते हैं तो इसकी मेन हेडलाइट ऑन हो जाती है, ठीक है, हो गई। इसके बाद ये इसका लो बीम है और ये इसका हाई बीम है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इससे जो दो तारें निकलती हैं वो आगे मैं अभी आपको बताता हूँ। तो ये जो है इसका राइट हैंडल बार स्विच इस प्रकार से काम करता है। और जो हम इसको बंद करते हैं, देखिए, तो यहाँ पर पासिंग तो वैसे भी काम करता रहेगा, ये आपने याद रखना है। अब करते हैं इसकी वायरिंग की बात। देखिए जो मैंने आपको दिखाई, यहाँ पर जो ये तार है येलो पे रेड लाइन, तो ये जो दो आप तार देख सकते हैं ये दो जगह फट जाती है, ठीक है, आपने याद रखना है। एक तो राइट हैंडल बार स्विच में चली जाती है, जो ये इसका राइट हैंडल बार स्विच है इसमें आ गई, और उसके बाद ये इस वाले में आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इसका क्या काम है, दोस्तों ये जो तार होती है ये आती है इसके पासिंग स्विच पर, देखिए ये इसका पासिंग स्विच है, ठीक है, क्योंकि जब बाइक ऑन रहेगी तो हमने पासिंग लाइट को भी ऑन करना है, तो ये आती है यहाँ पर, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो इसलिए ये तार जो है एक राइट वाले हैंडल बार स्विच में चली जाती है और एक लेफ्ट वाले में, तो ये तार इसके रेगुलेटर से यहाँ पर आ गई। और उधर से जो दूसरी तार आती है रेड पे वाइट लाइन, ये उधर से आ गई इस वाले स्विच में, ठीक है।
तो ये कहाँ पर आ जाती है, ये आ जाती है यहाँ पर, ताकि हमने जो है इसके हाई और लो बीम को चलाना होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद जो आगे ये तारें निकलती हैं इससे लाइट वाली, ये देखिए ये है येलो पे ब्लैक लाइन, तो ये कहाँ पर जाती है, ये जाती है इसके हाई बीम पर, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, देखिए जो इसका ये होल्डर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है रेड पे ब्लैक लाइन, तो ये इसमें आ जाती है क्योंकि ये इस बाइक का हाई बीम है, ठीक है। और दूसरी तार जाती है ये मीटर बॉडी में, ताकि ऊपर जो है आपको एक सिंबल दिखाई दे हाई बीम का, ठीक है, ये तो आपने याद रखना है, ये इसकी हाई बीम की हो गई। और जो इससे दूसरी तार निकलती है वो है ये, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, जो है रेड पे येलो लाइन, आप लोग देख सकते हैं ये रेड पे येलो लाइन है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो ये इसका लो बीम की तार है, देखिए यहाँ पर ये हाई बीम की और ये लो बीम की, ठीक है, ये इसका तीसरा बॉडी अर्थ है, ये आपने याद रखना है। तो जो इसकी अगली तार है, अगली तार इसमें जो है ये ब्लैक पे येलो लाइन, तो ये आपको पता है कि ये बजाज की कोई भी बाइक होती है तो उसमें ये आपको बॉडी अर्थ की दिखाई देगी, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। बात करते हैं अगली तार की, अगली जो तार है इसमें ये है ब्लैक पे रेड लाइन, ठीक है, ये आप ब्लैक पे रेड लाइन की तार देख सकते हैं। ये जो तार है ये तार होती है हॉर्न की, आप देखिए कैसे काम करती है, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये इसका हॉर्न है यहाँ पर, ठीक है, तो ये तार जो है यहाँ पर आ जाती है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं हॉर्न पर, जब हम इस स्विच को प्रेस करते हैं हॉर्न वाले को, ठीक है, तो ये हॉर्न बजने लगता है, ठीक है। अब ये तार कैसे काम करती है, देखिए ये जो तार है, जो ये मैंने आपको बॉडी अर्थ की तार दिखाई, तो ये आ जाती है इसके स्विच पर, ठीक है, जो ये हॉर्न वाला स्विच है, तो ये बदले में जो तार निकालता है बॉडी अर्थ ही निकालता है ये वाला, ठीक है, तो ये आ जाती है इसके हॉर्न की दूसरी तार, ठीक है, यहाँ पर, ये आपने याद रखना है। और जो इसके अंदर पहली तार है वो है ब्राउन रंग की, यानी कि 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की, तो 12 वोल्ट की सप्लाई इसको पहले से ही मिली हुई है, और जब हम हॉर्न के स्विच को प्रेस करते हैं तो इसको ये बॉडी अर्थ मिल जाता है, जिसके चलते इस बाइक का ये हॉर्न बजने लगता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं इसकी अगली तार की, अगली जो तार है इसमें ये संतरी रंग की, आप लोग देख सकते हैं ये संतरी रंग की तार है, ये दी गई होती है इसके फ्लैशर में, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये इसका फ्लैशर है, देखिए ये जो है इसका फ्लैशर है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये संतरी रंग की तार है, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर ये भी 12 वोल्ट से ही चलता है, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो ये जो संतरी रंग की तार है ये इसके अंदर आ जाती है, तो यहाँ पर ये इसके अंदर आ गई, जो इसका इंडिकेटर वाला ये स्विच है, तो ये बीच में तो देखिए अभी न्यूट्रल है, क्योंकि बीच वाला जो पॉइंट है ये इसका फ्लैशर की तार का है, ठीक है। और दो इसमें दो तारें हैं, एक ये लेफ्ट वाली और एक राइट वाली, तो ये मैं आपको दिखा दूँ, देखिए जो ये स्लेटी रंग की तार है ये इसके राइट इंडिकेटर की है, जब हम इसको देखिए चलाते हैं इस स्विच को, जब हम चलाते हैं राइट की तरफ तो ये इसका राइट इंडिकेटर ऑन हो जाता है, आप लोग देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये दोनों इंडिकेटर चल रहे हैं, ठीक है। और तो इसकी तार है ये स्लेटी रंग की, ये आपने याद रखनी है, ठीक है, इस बाइक में बजाज की कोई भी बाइक होगी तो उसमें ये स्लेटी रंग की तार होती है राइट इंडिकेटर की, और जो ये दूसरी तार है ग्रीन वाली ये हो गई इसके लेफ्ट इंडिकेटर की, तो ये आपने याद रखना है। तो अभी देखिए मैं आपको इसका दूसरा इंडिकेटर चला के दिखाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं ये यहाँ पर चल गया और दूसरा ये यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गई इसके इंडिकेटर की तार, तो ये थी इसके कपलर की तार। अब बात करते हैं इसमें लगा दूसरा कपलर, देखिए इसकी तो हमने आपको बता दी लाइट में, जो ये होल्डर है तो इसका हाई बीम लो बीम और ये बॉडी अर्थ। तो इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर आप ये एक छोटा कपलर देख सकते हैं जो छोटी सॉकेट है, तो ये होती है इसके पार्किंग लाइट के लिए, जिसको हम पायलट लैंप बोलते हैं, ठीक है, ये हल्की लाल है, तो ये मीटर बॉडी में जाती है और आगे पायलट लैंप पर और बैक लाइट पर, ये इसका दूसरी तार है बॉडी अर्थ का, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे कपलर की, ये जो वाइट कपलर है आप लोग देख सकते हैं ये जाता है इसके मीटर बॉडी में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसकी वायरिंग की, तो सबसे पहली तार जो है मैं आपको दिखा दूं, ये जो है इसकी इंडिकेटर की ही है, मैं आपको दिखा देता हूं, देखिए जो ये स्लेटी रंग की तार है
ये इसके राइट इंडिकेटर की है जब हम इसके राइट इंडिकेटर को चलाते हैं, और जो इसकी हरी तार है ये इसके लेफ्ट इंडिकेटर की है। ठीक है, बजाज की सभी बाइकों में ये आपको सेम देखने को मिलती है, सभी वायरिंग लगभग सेम होती है, लेकिन जिसके अंदर जैसे कि ये सेल्फ आ गई और ये डिजिटल मीटर आ गया और कुछ अन्य फीचर्स आ गए, तो उनकी वायरिंग थोड़ी एक्स्ट्रा जुड़ जाती है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो ये हो गई, और ये जो तार है इसमें हल्की हरी ये होती है इसकी न्यूट्रल लाइट की, जो ऊपर आपको मीटर बॉडी में एन का सिंबल देखने को मिलता है, क्योंकि जो इसका इंजन होता है, इंजन के अंदर एक स्विच लगा होता है, वहाँ से जो है बॉडी अर्थ आता है। ठीक है, ये अर्थ की तार मानी जाती है, ये आप लोगों ने याद रखनी है, क्योंकि इसके अंदर अर्थ आता है, और जो ऊपर एन का सिंबल देखने को मिलता है वहाँ पर दूसरी जो तार होती है वो पॉजिटिव की होती है, जिसके चलते जब हम न्यूट्रल करते हैं तो यहाँ पर एन की जो लाइट होती है वो ऑन हो जाती है। और जो इसके अंदर ये अगली तार है ये है हल्की रेड लाइन, ये है इसके मीटर लाइट की और बैक लाइट की। ठीक है, मीटर लाइट और बैक लाइट, ये आपने याद रखना है। और जो अगली तार है, अगली तार आपको पता है ये है रेड पे ब्लैक लाइन, ये इसके हाई बीम की होती है, क्योंकि मीटर बॉडी में आपको एक सिंबल दिखाई देता है हाई बीम का। और जो अगली तार है ये है ब्लैक पे येलो लाइन, ये इसका बॉडी अर्थ है, ये आपने याद रखना है। और जो अगली तार है ये ब्राउन रंग की, ये है इसका पॉजिटिव। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये इसका पॉजिटिव है, इसके अंदर 12 वोल्ट डीसी सप्लाई आ जाती है जब हम स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, और अगली जो तार है ये देखिए, ये है इसकी वाइट पे येलो लाइन, ये तार होती है दोस्तों जो ऊपर एक मशीन होती है जो आपका पेट्रोल बताती है कि अभी बाइक में कितना पेट्रोल है। ठीक है, तो वहाँ पर ये होती है उसकी, देखिए मैं आपको दिखा दूँ, जो ये मशीन होती है दूसरे वाली जो फ्यूल टैंक के अंदर होती है, तो यहाँ से जो तार निकलती है ये वाली, ये होती है देखिए सफ़ेद पे येलो लाइन, तो ये आपने याद रखनी है। तो ये तार दी गई है इसके अंदर फ्यूल मशीन की। ठीक है, अब बात करते हैं अगली तार की, जो अगला इसमें कपलर दिया गया है, देखिए आगे ये हो आती है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हैं जो रेड कलर का कपलर है, इसमें दो तार आपको देखने को मिलती है, ये होती है ब्राउन रंग की जो होती है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की, इसको 12 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए, और दूसरी जो नीली तार होती है ये है इसके ब्रेक स्विच की, ये आपने याद रखना ही है। देखिए जब हम इसको जो है खींचते हैं तो इसकी लाइट ऑन हो जाती है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब मैं इसको खींचूँगा तो इसकी लाइट जो इसकी बैक लाइट है ये ऑन हो जाती है, ये आपने याद रखनी है। ठीक है, ये आपने याद रखनी है। पहला पॉइंट, जब हम इसकी लाइट को ऑन करते हैं तब वो ऑन हो जाती है, देखिए मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देखिए जैसे मैंने इसको ऑन किया तो ये तो लाइट के साथ ऑन होगी जब हम इसकी लाइट को ऑन करते हैं, और जब हम इसको खींचते हैं, ठीक है देखिए आप लोग देख सकते हैं, देखिए ठीक है, तो ये जो है ब्रेक स्विच की तार है, ये आपने याद रखनी है। अब बात करते हैं इसकी बाकी वायरिंग की, अगला हिस्सा कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ पर देखिए ये आप लोग तार देख सकते हैं, ये तो आपको पता है कि ये होरन की है, मैं इसकी आपको रंग की तार चेक करा देता हूँ। देखिए एक ब्राउन रंग की तार है, ठीक है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई, और दूसरी है ये ब्लैक पे रेड लाइन, तो ये इसके होरन की तार है। और जो दूसरी तार है आप लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये होती है, एक तो हो गई ब्लैक पे येलो लाइन, ये इसका बॉडी अर्थ है, और दूसरी ये प्योर ब्लैक, ये होती है इसकी लीड कॉइल की, देखिए जो ये इसकी एसटी कॉइल होती है जिसको हम लीड कॉइल बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई इसकी, ये आपने याद रखनी है, जो इसकी ये ब्लैक है। बजाज की कोई भी बाइक है ये आपको देखने को तार मिलती है इसमें एसटी कॉइल की, ठीक है ब्लैक, और जिसमें आपको ये दो एसटी कॉइल देखने को मिलती है, जो अब न्यू मॉडल है उसमें एक तो ब्लैक ही मिलेगी आपको, ठीक है, और दूसरे वाली ब्लैक पे रेड, तो ये उसमें दो एसटी कॉइल की तारें आपको दिखाई देंगे, क्योंकि उसके अंदर जो सीरीज लगा होता है उसके अंदर से दो तारें निकलती हैं। ठीक है, जिन बाइक्स में ये यानी कि डबल प्लग वाली होती हैं, ये आपने याद रखना है। इसके बाद अब बात कर लेते हैं, इसके बाद जो नीचे से ये तार आती है आर्मेचर क्वाइल से, तो आप लोग देख सकते हैं ये जो इसकी आर्मेचर क्वाइल की तार है, यहाँ पर सबसे पहली जो तार है मैं आपको दिखा दूँ नीचे से क्या क्या आता है। देखिए ये जो हल्की हरी है ये है इसकी न्यूट्रल लाइट की, ठीक है ये आप लोग देख सकते हैं, ये आपने याद रखनी है, ये इसकी न्यूट्रल लाइट की है। और दूसरी ये जो इसकी ब्लैक पे येलो लाइन है ये इसका बॉडी अर्थ हो गया, ठीक है, और ये जो दो तार हैं पीली और ये ब्लू पे
वाइट पट्टी, ठीक है, ये आती है नीचे आर्मेचर क्वेल से, ठीक है, ये आती है जिसको हम लाइट क्वेल बोल देते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। नीचे से जो दो तार आती हैं वो जाती हैं सीधी रेगुलेटर पर, जिसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर जो ये लाल रंग की तार है, ठीक है, ये होती है इसकी स्टार्टिंग क्वाइल की, ठीक है, ये आपने याद रखनी है, जो इसके अंदर ये मैग्नेटो क्वाइल होती है, जिसको हम मैग्नेटो क्वाइल बोल देते हैं या स्टार्टिंग क्वाइल बोल देते हैं, ठीक है, ये रेड तार हो गई उसकी। और जो अगली तार है ये है वाइट पे रेड लाइन, ये होती है इसकी पिकअप क्वाइल की, ये आपने याद रखनी है। बजाज की कोई भी बाइक होती है एसी सप्लाई वाली या डीसी सप्लाई वाली, तो उसमें आपको ये तार देखने को मिलती है पिकअप क्वाइल की, ठीक है, ये हो गई इसके नीचे वाले कपलर की तार। अब यहाँ पर जो दूसरा कपलर है तो आपको पता लग गया होगा, इसमें ब्लैक पे येलो लाइन तो है बॉडी अर्थ, और ये जो दूसरी तार है वाइट पे येलो पट्टी, ये हो गई इसकी फ्यूल मशीन की, जो फ्यूल टैंक के अंदर ये मशीन होती है, ये आपने याद रखनी है, ठीक है, मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये तार है इसकी। और जो अगला ये छोटा कपलर है, जो सॉकेट है छोटी, इसमें एक ब्राउन रंग की तार है भूरे रंग की, ये 12 वोल्ट की है, और ये जो नीली तार है ये ब्रेक स्विच की है, जब हम अगले वाले ब्रेक को दबाते हैं तो उससे जो तार निकलती है ब्रेक स्विच से, तो ये भी यहाँ पर आ जाती है, और जो ये ब्रेक होता है उसको हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पर जो स्विच लगा होता है ये होती है उसकी। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ये जो इसका स्विच है ये होती है इसकी, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। इसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इसकी अगली तार की, तो ये आप सफ़ेद तार देख सकते हैं, ये होती है इसकी मेन बैटरी की तार, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये इसकी बैटरी की मेन तार है। और ये दूसरा इसका नेगेटिव है, ठीक है, ये हो गया इसका पॉजिटिव और ये इसका नेगेटिव। और जो अगली तार है, अगली जो तार है ये आप लोग देख सकते हैं, ये है इसके फ्लैशर की तार, ठीक है, जो संतरी रंग की तार है, ठीक है, संतरी रंग की तार इसके फ्लैशर की होती है बजाज की किसी भी बाइक में। और जो इसके अंदर ये दूसरी तार है ये है ब्राउन 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की, क्योंकि फ्लैशर को जो है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई चाहिए। और अब इसके बाद बात करते हैं इसके CDI की, कर लेते हैं, देखिए जो इसका CDI है, CDI के अंदर आपको जो है ये तार देखने को मिलती है, मैंने आपको पहले बताया, ये जो तार है रेड ये होती है इसकी स्टार्टिंग क्वाइल की, ये आपने याद रखनी है, ये तार आपको बजाज की बाइक्स में स्टार्टिंग क्वाइल की देखने को मिलती है, जो AC सप्लाई वाली बाइक होती हैं, चाहे वो 150 cc पल्सर ही क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी, तो उसके अंदर ये स्टार्टिंग क्वाइल की हो गई। और दूसरी ये सफ़ेद पे रेड लाइन, ये होती है पिकअप क्वाइल की, ठीक है। और जो तीसरी तार होती है वो ये ब्लैक पे येलो लाइन, जो इसका बॉडी अर्थ है। और जो इसके अंदर से ये तार निकलती है ब्लैक वाली, ये जाती है सीधी ST क्वाइल पर, ये आपने याद रखनी है, ये ST क्वाइल पर जाती है, ठीक है, ब्लैक लाइन की तार। और जो पांचवी तार इससे निकलती है ये ब्लैक पॉइंट जो है वाइट लाइन की तार, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ब्लैक पे वाइट लाइन, तो ये जाती है सीधी मेन इग्निशन स्विच पर, क्योंकि ये जो है इसके अंदर से हल्का हल्का करंट निकलता है, और जब हम इसको बॉडी अर्थ करते हैं तो ये इस CDI के करंट को ना डिस्कनेक्ट कर देता है, जिससे हमारी बाइक बंद हो जाती है, ये आपने याद रखना है। तो अभी यहाँ पर देखिए एक छोटा सा और जो कपलर लगा होता है, इसमें दो तार दी गई होती हैं, ग्रीन और ये येलो, तो ये तार जाती है इसके सेंसर पर, जो इसके कार्बोरेटर में एक सेंसर लगा होता है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। और देखिए यहाँ पर अब बात करते हैं इसके रेक्टिफायर की, जो ये रेक्टिफायर होता है इसकी वायरिंग की, देखिए यहाँ पर जो है इसके अंदर ये आप 5 तार देख सकते हैं, तो दो तार जो है यहाँ पर देखिए, एक पीली और ये ब्लू पे वाइट लाइन, तो ये जो तार होती है ये आर्मेचर क्वाइल से होकर आती है, ठीक है, इन दोनों के अंदर आपको सप्लाई देखने को मिलती है। जब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप कोई ट्यूब लगाकर देखना, तो इन दोनों को जो है अब चेक करते हैं तो यहाँ पर सप्लाई आनी चाहिए तभी, और रेगुलेटर भी तभी काम करेगा, इससे जो है आगे दो तारें निकलती हैं, देखिए। और जो इससे आउटपुट निकलती है वो है सफ़ेद तार, ये होती है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की, ये आपने याद रखना है, क्योंकि बैटरी को जो है चार्जिंग के लिए 12 वोल्ट डीसी सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और जो अगली तार है इसकी इनपुट, ये है इसकी ब्लैक पे येलो लाइन, ये इसका बॉडी अर्थ हो गया। और इसके बाद जो इसकी आउटपुट होती है ये है येलो पे रेड लाइन, ये आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो तार होती है इसकी जो जाती है इसकी हैंडल बार स्विच में, यानी कि लाइट स्विच में, जिससे हमारी जो है मेन हेडलाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। तो ये थी इसके कपलर की तारें। और अब बात करते हैं इसकी टेल लैंप की, तो यहाँ पर देखिए जो इसका टेल लैंप है, यहाँ पर ये तो आपको पता लग गया होगा, ये जो इसके अंदर 4 तार है, ये हो गई इसके राइट वाले इंडिकेटर की, जो है स्लेटी रंग की, ग्रीन वाली तार जो है लेफ्ट वाले इंडिकेटर की, ठीक है।
और जो ये तार है ब्लैक पे येलो पट्टी, ये इसका बॉडी अर्थ है। और जो ये तारे हैं इसमें टेल लैंप की, जो इसकी बैक लाइट है, तो यहाँ पर आप तीन तार देख सकते हैं। एक तो हो गई बॉडी अर्थ, ठीक है, ये ब्लैक पे येलो लाइन बॉडी अर्थ। दूसरी जो ये ब्लू रंग की तार है, ये होती है इसके ब्रेक स्विच की, ठीक है, ये आपने याद रखना है। जैसे हम ब्रेक को दबाते हैं और जो तार निकलती है ब्रेक स्विच से, ये आती है यहाँ पर, इसको जो है बैक लाइट ऑन करनी होती है, ठीक है, ब्रेक स्विच के दबाने पर। और जो तीसरी तार है इसमें ये हल्की रेड, ये होती है इसकी बैक लाइट की, क्योंकि इसके अंदर जो है दो पॉइंट होते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ। एक तो जब हम लाइट को ऑन करते हैं तब ऑन होता है, और दूसरा जब हम बाइक के ब्रेक को दबाते हैं तब ऑन होता है। तो ये थी इसकी वायरिंग। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको जो है ये वायरिंग समझ में आ गई होगी जैसे मैंने आपको सिखाई। तो आप लोग जो है दोस्तों इस तरीके से इसकी वायरिंग को सीख सकते हैं, और चलो जिन भाइयों को आती है वो अच्छी बात है, अगर जिनको नहीं आती तो आप इस तरीके से इसकी वायरिंग को सीख सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को जो है कोई वायरिंग नहीं बताएगा जैसे मैंने आपको बताई है। तो गाइज़ ये थी प्लैटिना बाइक की फुल वायरिंग की जानकारी जो मैंने आज आप लोगों को इसमें ये जानकारी दी। दोस्तों ये प्लैटिना और सिटी शो की वायरिंग सेम होती है, सिर्फ जो इसके हैंडल बार स्विच होते हैं इनमें ये डिज़ाइनिंग का फ़र्क पड़ जाता है, बाकी वायरिंग इसकी सेम होती है, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो है इस वीडियो से जानकारी मिली होगी, जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। दोस्तों अगर आपने हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, मैंने उन दोनों का लिंक भी अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो मेरी फेसबुक आईडी है वो है योर बाइक मैकेनिक बिलासपुर के नाम से, और जो मेरा इंस्टाग्राम है वो भी मेरा योर बाइक मैकेनिक के नाम से है, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं दोस्तों इनको मेरे लिंक पर जाकर। तो दोस्तों मैंने जो है जितनी मेहनत करके ये जो वायरिंग है आपको समझाई है, शायद ही आप लोगों को कोई समझाए। तो देखिए दोस्तों हमारा समझाने का तरीका कुछ और होता है, दूसरे का कुछ और, तो हो सकता है देखिए मुझसे भी कोई ज़्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को जानकारी दे सकता है इस वायरिंग के बारे में। मैं ये नहीं कहूँगा मैं ही ज़्यादा दोस्तों आपको अच्छे तरीके से इसकी जानकारी दूँ। तो जहाँ से भी दोस्तों आपको जो है वायरिंग की जानकारी मिलती है, किसी भी चीज़ की जानकारी मिलती है, तो आप लोगों जो है उस जानकारी को इकट्ठा करो, क्योंकि देखिए हर कोई बंदा अलग अलग तरीके से बताता है अपने अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहीं ना कहीं से अच्छी जानकारी मिलती रहे, तो मैं यही कामना करता रहूँगा। तो भाई जितनी जानकारी मेरे पास थी मैंने आप लोगों को दी, फिलहाल के लिए इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।